दोस्तों आज हम एक होम थिएटर का रिव्यू करने वाले हैं और जिस प्राइस रेंज के अंदर ये होम थिएटर आता है उस प्राइस रेंज के अंदर 101% ये होम थिएटर सबसे बेस्ट है। चाहे से लुक्स में आ जाइए, साउंड में आ जाइए, बिल्ड क्वालिटी में आ जाइए, दी बेस्ट होम थिएटर। और मुझको इस होम थिएटर को यूज करते हुए 4 साल हो गए हैं, फिर भी इसकी कंडीशन एज गुड एज न्यू है। और ऐसा भी नहीं है कि इस होम थिएटर को मैंने बड़े ही प्यार से यूज किया है, अपनी जगह से हिलाया नहीं है, नहीं, इस होम थिएटर को बहुत ही रफली यूज किया है मैंने। और मैंने सोचा नहीं था कि ये होम थिएटर इतना ड्यूरेबल रहेगा। आपको भी बताता हूँ इस होम थिएटर के बारे में। स्टार्ट करते हैं फटाफट से वीडियो को, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वेट किसका कर रहे हो, कर दो फटाफट, साथ में बेल नोटिफिकेशन का भी ऑल पर कर दो। सबसे पहले इसका नाम है ज़ेब्रोनिक्स सुल्तान 5.1, अच्छा नाम है सुल्तान। स्टार्ट करते हैं दोस्तों इस होम थिएटर के डिजाइन से। और भाई साहब क्या कमाल का डिजाइन है, 4 साल पहले लॉन्च हुआ था और आज भी मेरे ख्याल से मुझे पर्सनली इसका डिजाइन सभी होम थिएटर से अच्छा लगता है। क्या अग्रेसिव डिजाइन है इसका, जो वूफर है उसका डिजाइन ले लीजिए, या फिर चाहे से जो सैटेलाइट स्पीकर है उनका डिजाइन ले लीजिए, बहुत ही कमाल का डिजाइन है। और ये बड़ा भी काफी है, मतलब कॉम्पैक्ट नहीं है, एकदम खुला खुला बड़ा बड़ा है, और जितना बड़ा होगा उतना ही देखने में ज्यादा अच्छा लगेगा। तो ये भी काफी बड़ा है, हैवी भी काफी है, अप्रोक्स 5 किलो उसका वेट है। और अच्छे डिजाइन के साथ साथ आपको मिलती है अच्छी लाइट्स, LED लाइट्स इसके अंदर मिलती है। जो सबवूफर है, जो मेन यूनिट है, उसके अंदर आपको एक बड़ा LED पैनल मिलता है सामने, जो कि देखने में बहुत अच्छा लगता है। उसकी जो LEDs चल रही हैं उनको भी आप चेंज कर सकते हैं, मल्टी कलर, मल्टी पैटर्न, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। और जितने भी सैटेलाइट स्पीकर्स हैं उन सभी के ऊपर आपको मिलती है रिंग लाइट, आप कह सकते हैं एक तरह से, जो कि मल्टी कलर्ड है। और जो सैटेलाइट स्पीकर्स हैं उनमें भी आपको 2 टाइप मिलते हैं, एक तो मिलते हैं सराउंड साउंड वाले स्पीकर जिनमें कि केवल 1 रिंग लाइट है, और 3 मिलते हैं आपको फ्रंट स्पीकर जिनमें 2-2 लाइट है। और जिनमें 2-2 लाइट है उनमें ऐसा लगता है कि इसके एक स्पीकर के अंदर 2 स्पीकर्स हैं, लेकिन एक्चुअली में एक ही स्पीकर है, लेकिन देखने में ऐसा लगता है। वैसे जो सराउंड स्पीकर्स हैं और जो मेन स्पीकर्स हैं फ्रंट स्पीकर, उनमें स्पीकर्स का कोई भी चेंज नहीं है, जस्ट डिजाइन चेंज है, बाकी उन दोनों में सब कुछ सेम है। डिजाइन के मामले में दोस्तों इट्स 10 out of 10। आज के दिन भी 4 साल बाद भी इतना सुंदर, इतना एग्रेसिव होम थिएटर मुझे अभी भी मार्केट में नहीं मिले। होम थिएटर ले लीजिए या फिर कोई भी स्पीकर ले लीजिए, उसके अंदर जो उसकी बिल्ड क्वालिटी है, जिस मटेरियल के अंदर वो फिट किया गया है, उसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर आपके स्पीकर्स अच्छे हैं लेकिन बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं है बॉक्स की, तो आपको इतना अच्छा साउंड आउटपुट नहीं मिलेगा। बात करें हमारे ज़ेब्रोनिक्स सुल्तान की, तो इसके अंदर आपको बहुत ही ज्यादा अच्छी बिल्ड क्वालिटी नहीं कहूंगा मैं, बहुत ही ज्यादा बेकार भी बिल्ड क्वालिटी नहीं कहूंगा मैं इसकी, इसके अंदर आपको मिलती है एकदम अच्छी खासी बिल्ड क्वालिटी, बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, अच्छी खासी बिल्ड क्वालिटी आपको मिलती है, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। जनरली अगर स्पीकर्स लकड़ी के बने होंगे तो उनमें सबसे अच्छा साउंड आता है, लकड़ी को सबसे अच्छा माना जाता है। इनके अंदर एग्जैक्टली लकड़ी तो नहीं है, लेकिन आपको लकड़ी का ही एक दूसरा टाइप का वर्जन मिलता है, जो कि स्लाइटली सॉफ्ट होती है और वो मेरे ख्याल से थोड़ी सस्ती आती है, इसीलिए इस बजट के अंदर इतना सब कुछ फिट करना पॉसिबल हो पाया। लेकिन आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी उससे। आज 4 साल बाद में इतना रफ यूज करने के बाद में, मैंने इसको बाहर धूल मिट्टी में यूज किया है, ये कई दिनों तक बाहर पड़ा रहा है, इसके ऊपर इतनी इतनी मिट्टी भी एक बार जम गई थी, लेकिन फिर भी ये सारे स्पीकर्स एकदम से इंटैक्ट हैं, इनके अंदर कहीं से भी नहीं कि टूट गया या फिर कोई जो जॉइंट था वो निकल गया। वैसे अगर आप उस लकड़ी को बाहर से देखोगे तो आपको एकदम प्रीमियम क्वालिटी लगेगी, क्योंकि उसके ऊपर एक रैप टाइप का चढ़ा हुआ है, तो जब आप उनको खोलकर देखोगे तभी आपको पता चलेगा कि इसमें दूसरी टाइप की लकड़ी है, लेकिन बाहर से जब देखोगे तो ओरिजिनल एकदम मजबूत लकड़ी ही आपको लगेगी। बाकी इसके अंदर अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक यूज किया है, प्लास्टिक के बारे में मैं जरूर कहूंगा कि अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक मिलता है इसके अंदर। और सैटेलाइट स्पीकर में आपको सामने की तरफ एक जाली टाइप भी मिलती है, जो एक सॉलिड लुक देती है उनको, बहुत ही सुंदर लगती है उस जाली के अंदर से। लेकिन दोस्तों इस होम थिएटर में एक छोटी सी दिक्कत है, अगर आप सैटेलाइट स्पीकर से जो छोटे छोटे एक्स्ट्रा स्पीकर से उनको लटकाना चाहते हैं कहीं, तो वो आप नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर कोई भी पोर्ट नहीं आता या फिर कोई भी ऐसी जगह नहीं आती जहां पर हम उसको कहीं पर भी हैंग कर सकें, तो ये छोटी सी प्रॉब्लम है। लेकिन मैंने इसका भी सॉल्यूशन कर लिया, मैंने खुद से ही ऊपर की तरफ एक छोटा सा छेद टाइप का कर लिया ताकि मैं वहां पर उसको लटका सकूं, और ये एकदम अच्छे से काम करता है, मैं इसको काफी दिनों से यूज कर रहा हूं। हाँ, एक बार गिरा था, बहुत ऊंचाई से गिरा था, लेकिन गिरने के बाद हुआ कुछ भी नहीं, ना तो लकड़ी टूटी, ना प्लास्टिक टूटा, ना ही उसकी मेटल फ्रेम टूटी, सब कुछ अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन गिरा गंदे तरीके से था, डर गया था मैं एक बार। पोर्ट्स एंड बटन्स की दोस्तों इस होम थिएटर के अंदर कोई भी कमी नहीं है।
आपको सामने 5 buttons मिलते हैं होम थिएटर के ऊपर, यानी मेन सबवूफर के ऊपर। सबसे पहला बटन है इनपुट चेंज करने का, ब्लूटूथ यूएसबी वगैरह वगैरह, और इसको अगर आप लॉन्ग प्रेस करोगे तो आप स्पीकर्स को ऑन ऑफ भी कर पाओगे। नेक्स्ट बटन में आपको मिलता है 5.1 और 2.1 स्पीकर सिस्टम में स्विच करने के लिए। बाद में आपको प्ले पॉज का बटन मिलता है, वॉल्यूम कम ज्यादा करने के बटन मिलते हैं, और अगर इनको लॉन्ग प्रेस करोगे तो सॉन्ग भी आप नेक्स्ट और प्रीवियस में स्विच कर पाओगे। दूसरी साइड आप जाओगे तो उस साइड आपको मिलेगा एक यूएसबी पोर्ट और एक एसडी कार्ड रीडर भी आपको इसके अंदर मिलता है। सारे इनपुट ऑप्शंस इस स्पीकर सिस्टम के अंदर, इस होम थिएटर सिस्टम के अंदर अवेलेबल है। और जब आप इस होम थिएटर की पिछली साइड जाओगे तो आपको बहुत सारे पोर्ट्स एंड बटन्स मिलेंगे। सबसे पहले 5 आउटपुट आपको मिलेंगे 5 सैटेलाइट स्पीकर के, फिर 500 सैटेलाइट स्पीकर के लाइट्स के 5 आउटपुट और मिलेंगे, 10 आउटपुट यहीं पर हो गए। फिर आपको डीवीडी प्लेयर अगर आपको कनेक्ट करना है तो वो भी कर पाओगे, उसके भी आपको बहुत सारे पोर्ट्स मिलेंगे। उसके बाद में अगर ऑक्स केबल से कनेक्ट करना चाहते हो तो ऑक्स केबल के पोर्ट मिलेंगे, बाद में एक एंटीना का पोर्ट मिलेगा और एक ऑन ऑफ करने का पोर्ट मिलेगा। तो ये बहुत सारे पोर्ट है, और साथ में आपको उसके साथ एक रिमोट भी मिलता है। रिमोट के ऊपर बहुत सारे बटन है, सभी को बताने बैठ गया तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। मतलब सब कुछ आप कंट्रोल कर सकते हो उस रिमोट की मदद से, उस होम थिएटर का। लेकिन अगर आपके पास होम थिएटर का रिमोट नहीं है, कहीं पर गुम गया, बैटरी डिस हो गई, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप जो 5 buttons होम थिएटर के ऊपर, उनसे भी पूरे होम थिएटर के जो मेजर फीचर्स हैं उनको कंट्रोल कर पाएंगे। और हाँ, लास्ट में आपको छोटा सा डिस्प्ले भी मिलता है जो आपका इनपुट इंडिकेट करता है कि आप किस इनपुट में, ब्लूटूथ यूएसबी। कर दोस्तों, जेब्रोनिक सुल्तान 5.1 के स्पेसिफिकेशंस के बारे में, स्पीकर्स के स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो 6.3 inches का आपको एक सबवूफर मिलता है जो कि रियलिटी में अच्छा खासा बेस प्रोवाइड कर देता है। बेस की इसके अंदर कोई भी कमी नहीं है, और बाकी के जो ट्विटर्स हैं या फिर कह सकते हैं आप सैटेलाइट स्पीकर है, उसके सभी के अंदर आपको 3 inches के स्पीकर्स मिलते हैं। एंड बात करें आउटपुट की, तो जो मेन सबवूफर है उसके अंदर आपको मिलता है 50 वोल्ट आरएमएस का आपको आउटपुट, और जो सैटेलाइट स्पीकर है उनके अंदर आपको मिलता है 18 वोल्ट का आरएमएस आउटपुट ईच, हर एक के अंदर आपको 18 वोल्ट का मिलता है। तो टोटल हम काउंट करें तो 140 आरएमएस का आपको साउंड आउटपुट मिलेगा, विच इज वेरी वेरी गुड, नो प्रॉब्लम्स देयर। हालांकि इसको फुल पर करने के बाद में थोड़ा थोड़ा से आवाज फटने लग जाती है, लेकिन फुल करने की आपको कहीं पर नौबत ही नहीं आएगी, स्पेशली एक कमरे या फिर एक हॉल के अंदर तो कभी। और लास्टली इसके अंदर आपको मिलता है ब्लूटूथ 2.1, हालांकि ये थोड़ा पुराना है लेकिन काम बहुत अच्छे से करता है। मुझे पर्सनली आज तक कोई भी दिक्कत नहीं आई, ना ही कनेक्शन में प्रॉब्लम आई, और 10 meters की आपको इसकी रेंज भी मिलती है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। पुराना है हालांकि, लेकिन काम बड़ी अच्छे से करता है। अब सुनिए दोस्तों, जेब्रोनिक सुल्तान 5.1 का धमाका। कैसा लगा साउंड कमेंट करके जरूर बताना, मुझे पता कैसा लगा साउंड कमेंट करके जरूर बताना, होपफुली अच्छा ही लगा होगा। बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की, क्या आपको जेब्रोनिक्स 5.1 सुल्तान 5.1 लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। डेफिनेटली दोस्तों, 4 साल इसको पूरे कंप्लीट करने के बाद में मैं ये कह सकता हूँ कि आपको आंख बंद करके लेना चाहिए। किसी एक सिंगल चीज के अंदर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, बेस के अंदर, वॉल्यूम के अंदर, डिजाइन के अंदर, बिल्ड के अंदर, किसी के अंदर भी कमी नहीं आएगी। कैसा लगा दोस्तों वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, और जेब्रोनिक सुल्तान के लिए एक लाइक तो बनता है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। लाइक कर रहे हो तो वहीं पर सब्सक्राइब वाला बटन है। मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।